माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हैं? आशा करते आप सभी अच्छे ही होंगे और आशा करते हैं हम आप सभी इस कोरोना महाकाल में हर हर महादेव कृपा से अच्छे और सुरक्षित ही होंगे। तो एक बात जयकारा लगा दीजिए, हर हर महादेव, हर हर महादेव। यू आर मोस्ट वेलकम टूडेज इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आप सभी के लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए माय डियर स्टूडेंट। व्हाट इज इकोनॉमिक इको फ्रेंडली ट्रैकिंग, व्हाट इज इकोनॉमिक इको फ्रेंडली ट्रैकिंग। सबसे पहले हम आपको, आपके पूरे परिवार को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वेरी हैप्पी संडे टू यू एंड योर फैमिली ऑन बिहाफ ऑफ माय ऑर्गेनाइजेशन। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर वेरी हैप्पी संडे। सबसे पहले आज हम आपके लिए इकोनॉमिक्स में टॉपिक्स लाए हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक इको फ्रेंडली क्रैकिंग। इकोनॉमिक इको फ्रेंडली क्रैकिंग क्या होता है? पहली बात, इको फ्रेंडली ऐसा काम, ऐसी एक्टिविटी जो एनवायरनमेंट के प्रति अडॉप्टेड हो, अनुकूल हो, उसे इको फ्रेंडली कहते हैं। और क्रैकिंग का मतलब होता है आतिशबाजी पटाखा। जैसा कि दीपावली आने वाली है, दीपावली के समय दीपावली का मौसम चल ही रहा है, तो लोग पटाखे फोड़ते हैं या फोड़ेंगे। अभी दीपावली आने वाली है जो कि 14 नवंबर को है, तो पटाखे फोड़ते हैं यानी क्रैकिंग। तो हमारे कहने का मतलब जो इको फ्रेंडली क्रैकिंग का मतलब आप पटाखे की जगह पटाखे फोड़िए, लेकिन एक लिमिटेड में फोड़िए, एक बैलेंस में फोड़िए, एक बैलेंस में, एक लिमिट के इंटरनल में, बियॉन्ड द लिमिट नहीं, इन लिमिट फोड़िए, बियॉन्ड लिमिट नहीं, क्योंकि वो भी जरूरी भाई, क्योंकि उसमें जो पटाखों बनाने में जो लोग उनकी रोजी रोटी का विश्वास है, तो ठीक है फोड़िए, लेकिन एक लिमिट में, बहुत ज़्यादा नहीं, ताकि किसी को भी साउंड पोल्यूशन से प्रॉब्लम ना हो और इतने धुएं भी ना निकालिए पटाखे से, ताकि किसी को प्रॉब्लम ना हो। मतलब एक बैलेंस में फोड़िए, एक बैलेंस में, एक लिमिट में फोड़िए, तो इसको बोलते हैं इको फ्रेंडली क्रैकिंग। एक इसका दूसरा भी पहलू है कि पटाखे फोड़ने की जगह आप गुब्बारे भी फोड़ सकते हैं। आवाज़ से मजा है, तो गुब्बारे भी पटाखे की तरह आवाज़ करते हैं। तो इको फ्रेंडली क्रैकिंग का मतलब आप पटाखे भी फोड़िए, लेकिन एक लिमिट में, और इसका एक ऑप्शनल यूज़ भी कर सकते हैं गुब्बारा फोड़ के। तो ये भी इस तरह से बहुत सारे चीज़ हैं जो ऑप्शनल में पटाखे की जगह भी यूज कर सकते हैं, और ये भी इको फ्रेंडली क्रैकिंग है। और इको फ्रेंडली क्रैकिंग ये भी है कि अगर पटाखे फोड़े तो लिमिट क्वांटिटी में फोड़े, ताकि एक लिमिट क्वांटिटी में वाटर एयर पोल्यूशन, साउंड पोल्यूशन, ओके मैं, ताकि और क्योंकि रोजी रोटी का भी सवाल है। तो मतलब सारी बातों को ध्यान में रखें कि पटाखा बनाने वालों की भी दीपावली मने, उसमें जो पटाखा बनाने वाले जो लोग हैं उनकी भी दीपावली मने, और साथ ही साथ पटाखा फोड़ते समय जो अगल बगल लोग हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो ये हम कह सकते हैं कि इको फ्रेंडली क्रैकिंग। अब इसका इकोनॉमिक एडवांटेज क्या है? क्योंकि पटाखे फोड़ेंगे तो पटाखे बनाने वाले लोगों की रोजी रोटी का भी सवाल है, तो उनकी भी अर्निंग होगी। और इको फ्रेंडली क्रैकिंग का मतलब कि इससे किसी को नुकसान भी नहीं होगा। तो अगर हम इको फ्रेंडली क्रैकिंग करते हैं, तो इसका इकोनॉमिक एस्पेक्ट है कि हर तरह से प्रोडक्शन होगा, और जब प्रोडक्शन होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो इनकम भी जनरेट होगा, इनकम जनरेट होगा तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी जनरेट होगा, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा तो सेविंग इन्वेस्टमेंट भी जनरेट होगा, और सेविंग इन्वेस्टमेंट जनरेट होगा तो फिर प्रोडक्शन, यानी कि इकोनॉमिक साइक्लिक वे में चलेगी, जो कि हम कह सकते हैं किसी भी देश की इकोनॉमी की ग्रोथ डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और हाँ, और ये इकोनॉमिक ग्रोथ डेवलपमेंट इस तरह से होगा जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर हम इको फ्रेंडली क्रैकिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे इकोनॉमिक इको फ्रेंडली क्रैकिंग का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलप, अर्थात डेवलपमेंट तो होगा, इकोनॉमिक का ग्रोथ डेवलपमेंट होगा, बट इन्वायरमेंट को कम से कम पॉल्यूशन या हार्मिंग हो, इसी को सस्टेनेबल डेवलपमेंट या इकोनॉमिक इको फ्रेंडली क्रैकिंग करते हैं। ओके मैसे, तो हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक इको फ्रेंडली क्रैकिंग का इकोनॉमिक एस्पेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं, जो कि इकोनॉमिक दृष्टि से भी और इन्वायरमेंट की सेफ्टी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। ओके मैसे, तो आज हमने चर्चा किया इकोनॉमिक इको फ्रेंडली क्रैकिंग। अगर आपको इसमें से कहीं कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर किया, मैं उसका जवाब दे दूँ। और अगर नहीं तो विश यू ऑल बेस्ट, मेरे लेक्चर वीडियो से आप पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, इससे मुझे खुशी की क्या बात हो सकती। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो
प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर माई वीडियो टू योर फ्रेंड रिलेटिव, क्योंकि ऐसा करने में आपके तो एक रुपये भी नहीं लगते, बट इससे मेरी कॉन्फिडेंस जरूर बढ़े और मेरा बना वीडियो आपके लिए, आपसे समझ सारे लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे, न डायरेक्टली तो इनडायरेक्टली, न शटर में तो लॉन्ग, क्योंकि विद्या कभी खराब नहीं जाता, बिकॉज नॉलेज डज नेवर गेट स्पॉइल्ड। ओके मैसे, तो कल फिर मिलते हैं इसी समय फिर इसी तरह इकोनॉमिक्स एनालिसिस के अंतर्गत या इसी टॉपिक संबंधित या फिर किसी ने टॉपिक से। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, शिव एंड वंस अगेन हर हर महादेव, हर हर महादेव। वंस अगेन विश यू ऑल बेस्ट फॉर वेरी हैप्पी संडे टू यू एंड योर फैमिली ऑन बिहाफ ऑफ मी एंड माय। ओके मैशन, हर हर महादेव, हर हर महादेव।